हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं। हमको एक बाइनरी ट्री गिवन है, हमको उस बाइनरी ट्री को इन्वर्ट करना है, ठीक है। तो गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री, इन्वर्ट द ट्री एंड रिटर्न इट्स रूट। तो हमको इन्वर्टेड ट्री का रूट रिटर्न करना है इस फंक्शन से, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल देखें, तो ये हमारा बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का क्या प्रॉपर्टी है, एक नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड हो सकते हैं और मिनिमम जीरो, ठीक है। ऐसा आप कहीं पर भी बाइनरी ट्री नहीं देखे होंगे जिसमें कि एक नोड के दो से ज्यादा चाइल्ड हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बाइनरी ट्री का प्रॉपर्टी है, ये डेटाबेस के इंडेक्सिंग में यूज होता है, ठीक है। इसका वेरियस बहुत सारा एप्लीकेशन है, वो भी हम किसी दिन आपको सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि हमारे बाइनरी ट्री का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ रियल वर्ल्ड में ये यूज होता है, ठीक है। अभी हमको क्या प्रॉब्लम गिवन है कि हमको जो ट्री है ना, हमको उस ट्री को चेंज करना है, ठीक है। इसके चाइल्ड सब ट्री में चेंजेस करना है। जैसे हम 4 के लेफ्ट सब ट्री में क्या है अभी 2, और 4 का राइट चाइल्ड क्या है 7, ठीक है। ये बेसिकली 2 1 3 जो है ना, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है क्योंकि ये खुद एक ट्री हो गया, ठीक है। और लेकिन 4 के लिए 2 क्या है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है, और 7 क्या है, राइट चाइल्ड। तो हमको इन्वर्ट क्या करना है कि 4 के लेफ्ट में क्या आ जाना चाहिए जो उसके राइट चाइल्ड है, ठीक है। जैसा हमको दिख रहा है 4 के राइट में क्या है 7 है, और हमको इन्वर्ट करने के बाद क्या आएगा, वो 7 आ जाएगा लेफ्ट पार्ट में और 2 चला जाएगा राइट पार्ट में। और यही काम हमको उसके जितने चाइल्ड नोड हैं सब पे काम करना है, ठीक है ना। आइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है, इन्वर्ट नाम का। ये इन्वर्ट फंक्शन से में हम अपने ट्री का रूट पास करेंगे, और इस फंक्शन के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली हम रूट पास कर देंगे, ठीक है। अब हम इस फंक्शन को करने जाते हैं डिफाइन, वाइड इन्वर्ट नाम के फंक्शन को, ठीक है। ये इन फंक्शन ले क्या आर्ग्यूमेंट रहा है, ये हमारे ट्री के रूट का एड्रेस को स्टोर किया हुआ है, ठीक है। मतलब ये पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, जो जिसको कि हम कहते हैं रूट नोड। तो सबसे पहले हम जब भी रिकर्सिव कोड लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हम एक स्टेप खुद परफॉर्म करेंगे, बाकी हमारा रिकर्शन करेगा, ठीक है। रिकर्शन को बस हम क्या क्या बताते हैं रिकर्शन को, एक उसको हम बताते हैं स्टॉप, तुमको रुकना कब है, जिसको कि हम बेस केस कहते हैं, और उसको हम अपना टास्क बता देते हैं, ठीक है, कि तुमको ये काम करना है, कब तक करना है, जब तक बेस केस हिट ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा बेस केस है कि अगर रूट नल हो गया ना, उस केस में भाई हमको कुछ नहीं करना है, रिटर्न हो जाना है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हमको स्वैपिंग करना है, बेसिकली हमको यहाँ 4 के लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट चाइल्ड में क्या आना चाहिए, 4 के लेफ्ट चाइल्ड में आना चाहिए जो उसके राइट में है, और 4 के राइट चाइल्ड में क्या आना चाहिए जो उसके लेफ्ट चाइल्ड में, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। उसको करने के लिए हमें टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और इसका वैल्यू अभी इसमें असाइन कर देते हैं नल। टेम्प में हम असाइन कर देंगे रूट का लेफ्ट, ठीक है, और रूट के लेफ्ट में असाइन कर देंगे क्या, रूट का राइट, और रूट के राइट में हम असाइन करवा देंगे टेम्प, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या चीज, ये वर्क है, यही हमको सारे नोड के लिए करना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री के लिए इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और फिर राइट सब ट्री के लिए इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, रूट का राइट हम इसमें पास कर देंगे, ठीक। रन करके देखते हैं क्या कोड फटेगा अभी हमारा, कंपाइल करते हैं पहले, ओके। तो हमारा 3 टेस्ट केस, तो यहाँ पे जो एग्जांपल टेस्ट केस था वो पास हो गया है, सबमिट करते हैं।
आई गेस फटना नहीं चाहिए था, लेट्स सी। ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुल्ली सॉल्व हो चुका है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, इस चीज को हम इटरेटिव वे से भी कर सकते हैं, बट इटरेटिव वे का जो कोड होगा ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, हल्का स्लाइट इसमें मॉडिफिकेशन ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हम रिकर्शन पे काम दे रहे हैं ना, वहां पे लेकिन हमको खुद से वो काम करना होगा, ठीक। आप क्या कर लो, आप इसको पहले आपको अगर इसको अच्छे से समझना है ना, तो आपको कॉपी पे डायग्राम बनाओ, इस कोड को ड्राई रन करो, आपको सारा स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा इसका अप्रोच आप खुद से ट्राई करना, अगर आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करो, हम इसका दूसरा अप्रोच भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।